नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। बड़ी खबर मुरादाबाद से सामने आ रही है, जहां निजी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा हुआ है। इस एक्सचेंज से अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल कॉल में बदल देता था जेल में बंद आरोपी उवैस अलाम मलिक संचार विभाग को पहुंचाता था लाखों रुपए महीनों का राजस्व नुकसान। आरोपी गौतम बुद्ध नगर में भी इस मामले में जेल में बंद है। गौतम बुद्ध नगर जेल में बंद मास्टरमाइंड उवैस अलाम की निशानदेही पर इस निजी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा हुआ। एक्सचेंज से काफी मात्रा में मिले सिम कार्ड सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मुरादाबाद के थाना मझोला इलाके की ट्रांसपोर्ट नगर कॉलोनी के मकान नंबर A28 का मामला। मुरादाबाद से नूर हसन की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले नोएडा पुलिस ने एक मुकदमा पंजीकृत किया था अवैध एक्सचेंज संचालन के संदर्भ में, जिसके मुख्य अभियुक्त उवैस अलाम को गिरफ्तार किया था। उवैस अलाम ने बताया था कि उसी प्रकार का सेम सेटअप मुरादाबाद में संचालित हो रहा है। उनकी सूचना पर तथा क्षेत्रीय इनपुट्स के आधार पर मुरादाबाद पुलिस और BSNL की संयुक्त टीम ने आज थाना मधोला क्षेत्र के टीपी नगर में एक मकान पर छापेमारी की। इसमें भारी मात्रा में सिम कार्ड, कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप तथा सिम बॉक्स बरामद हुए, जिस पर थाना मझोला में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसका जो मुख्य अभियुक्त है उवैस अलाम, जो कि पहले नोएडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है और जेल में है, इनका मुख्य काम था सिम बॉक्स के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय कॉलें आती थी उनको अवैध रूप से लोकल कॉलों में परिवर्तित कर देते थे तथा भारी मात्रा में मुनाफा कमाते थे। इससे सरकारी राजस्व की काफी हानि होती थी, साथ ही साथ टेलीकॉम कंपनियों को भी भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता था। इसके सारे पदों की जांच की जा रही है, विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। इनमें जिनके भी नाम प्रकाश में आएंगे उन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।